Hello everyone, Mukaram and Muthuvela here on the side as a business coach and as a business consultant. आज फ्रेंड्स जो टॉपिक लेके आए हो वो सबसे ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है कि आपका माइंडसेट डेवलप करने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग व्हाट इज इट या फिर डायरेक्ट सेलिंग, ये तीनों टर्म्स का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है इस वीडियो के माध्यम से आप डेफिनेटली जानने वाले हैं एंड आपका माइंडसेट भी डेवलप होने वाला है। सो आइए शुरुआत से देखते हैं एंड इस वीडियो में आप टोटल 6 पॉइंट्स देखने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। सो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपके एक विजन क्लियर हो सके और इवन आपका एक माइंडसेट ब्रॉड हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, आपने नाम बहुत बार सुना होगा। अब होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बहुत जल्दी मार्केट में उतार देती है एंड इवन कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बहुत जल्दी एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचा देती है, डायरेक्टली कंपनी टू कंज्यूमर, बी टू सी, डायरेक्टली बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कहता क्या है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपने बचपन से ही बहुत सारे लोगों को रिकमेंडेशंस किए होंगे किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आपने 3 इडियट्स मूवी देखी, आपको अच्छी लगी तो आपने उस मूवी की तारीफ करी होगी अपने फ्रेंड सर्कल्स में। रिसेंटली एक मूवी आई हुई थी खुदा हाफिज़ विजय जम्वाल की, आपने वो मूवी देखी होगी, आपको अच्छी लगी तो आपने क्या किया अपने फ्रेंड सर्कल्स में कलीग्स में उसे शेयर की होगी। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशंस करने होते हैं। सारा गेम फ्रेंड्स वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशंस का है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी और अगर आपने उसे अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने कलीग्स में, अपने नेबर्स में, इवन अपने सोशल मीडियाज पे उसे रिकमेंड किया और वहाँ से सेल्स जनरेट हो रही है तो आपको कुछ सडन कमीशंस मिलेंगे परसेंटेज, जो कि बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है। अब होता क्या है, यहाँ पे दो तरह की कंपनीज होती हैं। पहली कंपनी वो होती है जो राइट तरीके से काम करती हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं, और दूसरी कंपनीज वो होती हैं जो इलीगल तरीके से काम करती हैं या उनके एथिक्स नेटवर्क मार्केटिंग जैसे नहीं होते। वो क्या करती हैं, लोगों को बोलती हैं कि आओ पैसा लगाओ पैसा बनाओ, पैसा लगाओ पैसा बनाओ, बट उसमें इन रिटर्न कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता। इसकी हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे जिसमें आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन सी कंपनी राइटफुली चूज करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या एक ऐसी नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी है जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बहुत जल्दी मार्केट में उतार देती है। एंड ये तो हुई पहली चीज़। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एक नेटवर्क और एक है मार्केटिंग। अब नेटवर्क क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम ग्रुप ऑफ पीपल को अपने साथ एसोसिएट करते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जैसे आपके फ़ोन में अभी इस वक्त नेटवर्क चल रहा होगा तो ही आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे इंटरनेट के थ्रू, तो एक एक वहाँ पर नेटवर्क लगा। अभी जैसे आपने देखा कि मैकडी है, उसने क्या किया अपना एक नेटवर्क बनाया, जो जितने भी बड़े बड़े बिग बिजनेस टाइकून्स हैं वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में एक नेटवर्क बना रहे हैं। हल्दीराम्स की बात करें, उसने नेटवर्क बनाया। टेलीकम्युनिकेशंस में देखें तो आपका डू है, आपका इत्तेसलात है, इवन आपका वोडाफोन है, आइडिया है, वो सब क्या है नेटवर्क बनाया है इन्होंने, राइट। तो इसी तरीके से एक तो ये हो गया एंड सेकेंड आता है आपका मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या कहता है कि रिकमेंडेशंस करने हैं, प्रमोशंस करने हैं, सेल नहीं करना फ्रेंड्स। मार्केटिंग में आपने देखा होगा जैसे टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, आपने हाल ही में देखा होगा अगर MS धोनी की एक ऐड आई थी स्निकर्स की, तो उसने क्या किया वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करी, उसके बारे में अवेयरनेस की। इसी तरीके से कैडबरी की बात करें तो आपके माइंड में आ गया होगा अमिताभ बच्चन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि मुथूट फाइनेंस कॉर्प, तो उसे कौन रिप्रेजेंट कर रही है ब्रांड एम्बेसडर, विद्या बालन। तो इसी तरीके से बहुत सारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्हें भी पता है कि एडवर्टीजमेंट से वी गेट ह्यूज वेल्थ, तो एक वहाँ पे क्या एडवर्टीजमेंट हो रही है यानी वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशंस हो रहे हैं। रिकमेंडेशंस टेलीविजन पे हो रहा है लेकिन हम यहाँ पे वर्ड फेस टू फेस रिकमेंडेशंस कर रहे हैं। जैसे बचपन से अभी तक आपने बहुत सारे लोगों को रिकमेंडेशंस किए होंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको करना है। तो अपना नेटवर्क बनाना होता है और एक वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशंस करनी होती है, इसी को हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये तो हुई पहली चीज़। इसी के अंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में, ये तो हुई डेफिनेशन, अब हम बात करेंगे कि इससे बेनिफिट किस किस को मिलता है। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रॉपर, तो इससे दो लोगों को फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा होता है कंपनी का और दूसरा फ़ायदा होता है एज एन इंडिविजुअल। हम दोनों ही लोगों की बखूबी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स,
कंपनी की बात करें तो कंपनी का फायदा क्या है, दो फायदे हैं कंपनी के। पहला फायदा है कि नो मेजर इन्वेस्टमेंट, कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई दूसरी कंपनी होती अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग तो उसे क्या करना पड़ता, उसे अपने एडवर्टीजमेंट के लिए अपने प्रमोशन के लिए कॉस्टिंग लगानी पड़ती, एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता। तो यहाँ पे उसका पैसा बच जाता है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं। एंड सेकेंड फायदा है कि कंपनी पे आफ्टर सेल्स, यानी कंपनी की पहले सेल्स आती है उसके बाद कंपनी रिलीज करती है कमीशन। बट दूसरे में क्या होता है, कंपनी को पहले एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसे टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट पे सलमान खान ने अगर माचो रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट करी और उसने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उसे प्रमोट किया तो उसे पहले एडवर्टीजमेंट के हिसाब से पहले पैसा दिया जाएगा, उसके बाद सेल्स होगी, उससे अवेयरनेस आएगी और वहां से सेल्स जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी का ये फायदा है कि कंपनी पे आफ्टर सेल्स। सेकेंड आता है यहाँ पे आपका कि अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या फायदा है, आप और हम एज अ कॉमन पीपल हैं तो हमारे लिए एज अ कंज्यूमर या एज अ एंटरप्रेन्योर लेवल, बिजनेस लेवल, हमारे लिए क्या फायदा है। हमारे लिए तीन फायदे हैं। सबसे पहला आता है आपका कि टेस्टेड प्रोडक्ट्स, टेस्टेड प्रोडक्ट्स यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के थ्रू प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हैं और वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेस्टेड एंड सर्टिफाइड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू अप्रूवल्स हुए होते हैं। एंड उसके साथ एक और चीज़ आपकी आती है कि नो मेजर इन्वेस्टमेंट, यानी आप अगर एज ए इंडिविजुअल लेवल पर कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ता है, सैलरी पे लोगों को हायर करना पड़ता है, तो ये सारा कॉस्टिंग आपकी जुड़ जाती है। बट यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम पैसों में आप अपना एक व्यापार शुरू कर सकते हो, तो लो स्टार्टअप कॉस्ट पहली चीज़ एज एन इंडिविजुअल। दूसरी चीज़ आपको मिलती है कि पैसिव इनकम, उसका आपको फायदा मिलता है। एक बार आपको फ्रेंड्स एक सिस्टम क्रिएट करना है, आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जैसे आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, आप लोग काम करते हैं आपके लिए नहीं फ्रेंड्स, लोग अपने लिए काम करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं और वहां से आपको एज अ रॉयल्टी इनकम मिलती है। सो पैसिव इनकम यहाँ पे क्या होता है कि आप नहीं भी काम कर रहे तब भी आपके बैकग्राउंड में बिजनेस चल रहा है क्योंकि आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया और वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एज अ कमीशन के रूप में। सो ये होता है आपको सेकेंड बेनिफिट। एंड थर्ड बेनिफिट फ्रेंड्स आपको मिलता है कि मल्टीप्लीकेशन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसमें आपने हो सकता है कि आपने किसी चीज़ का प्रमोशन किया, आपने अभी तक हो सकता है किसी मूवी के बारे में लोगों को बताया हो। इसी तरीके से यहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हैं, राइट। आपने 10 लोगों को बताया, सपोज एक पर्सन है उसने 10 लोगों को आगे बताया और 10 लोगों ने उसके साथ एसोसिएट हुए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ली, यानी टर्न ओवर आया, तो उससे उसे कमीशन आया। अब यही 10 लोगों ने आगे और 10 लोगों को बताया तो 10 × 10 = 100। तो जैसे जैसे आपके लोग मल्टीप्लाई होंगे आपका टर्नओवर मल्टीप्लाई होगा और आपको कमीशंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। तो ये होता है फायदा एज एन इंडिविजुअल लेवल पे। तो पहले हमने फ्रेंड्स दिखा कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है एक्चुअली, ये बिजनेस है किस चीज़ का, नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों के बारे में हमने समझा। एंड थर्ड हमने समझा कि नेटवर्क और मार्केटिंग किन किन लोगों को फायदा है, कंपनी और इंडिविजुअल लेवल पे। अब हम सेकेंड बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग दूसरी चीज़ क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम टर्म्स में बताएं तो ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का बिजनेस है। मैंने क्या बोला, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, यहाँ पे लोगों को हमें एसोसिएट करना है अपने साथ, तो इसीलिए हम लोगों को अपने साथ रिक्रूट करते हैं। ऑनलाइन रिक्रूट कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं और उन्हें हमें आगे ट्रेन करना है जिससे वो और लोगों को रिक्रूट कर पाएं और इससे हम अपना एक सिस्टम बना पाएं जिससे पैसिव इनकम जनरेट हो सके। तो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का बिजनेस है। जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे साइकिल के, आपने देखे होंगे दो पेडल्स होते हैं, राइट। एंड एक पेडल आपने मारा, दूसरा मारना पड़ेगा तभी आगे मूव होंगे, इसी तरीके से इस बिजनेस में भी है। आपने एक बार रिक्रूट किया तो उन्हें आपको ट्रेन करना है, उन्हें आपको प्लेस करना है जिससे वो आगे और लोगों को रिक्रूट कर पाए। इसी तरीके से आप और रिक्रूट करेंगे और ट्रेन करेंगे। डिजिटल लेवल पर भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी में जितने भी टॉप अर्नर्स हैं वो बड़े बड़े चेक्स आ रहे हैं उनके, कैसे आ रहे हैं, इसी से आ रहे हैं, वो रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को फ्रेंड्स कहते हैं हम एक स्किल, ये एक स्किल है जो आप सीख सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ये मासेस का बिजनेस है, क्लासेस का बिजनेस नहीं है।
इट्स अ बिजनेस ऑफ मासेस, नॉट क्लासेस। मिस्टर सोनू शर्मा सर ने ये चीज़ कही थी, एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है कि चाहे लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सभी के लिए ये बिजनेस एप्लीकेबल होता है, जिसमें बहुत कम स्टार्टअप कॉस्ट से आप उस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं एंड रिक्रूट एंड ट्रेनिंग करके आप एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमने समझी कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड कंपनी एंड इंडिविजुअल दोनों का काफ़ी फायदा है। सेकेंड आपने देखा रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। थर्ड आता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, स्नोबॉल इफेक्ट है। जी, स्नोबॉल इफेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी में जैसे जैसे आपने देखा होगा कि एक स्नो आता है, ठीक है, धीरे 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 स्नो रोल आउट होता है और बड़ा बनता है। इसी तरीके से जैसे स्नो आया बड़ा हुआ, इसी तरीके से यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे जैसे आप स्टार्ट करते एज एन इंडिविजुअल आप स्टार्ट करेंगे, आपकी टीम साइज बढ़ेगी 1 से 10, 10 से 10 यानी 100। तो जैसे जैसे आपकी टीम साइज बढ़ेगी कमीशन आपके इंक्लूड मल्टीप्लाई होते हैं। फोर्थ आता है इसी से रिलेटेड कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब जैसे जैसे आपकी आपके लोग आपके मल्टीप्लाई होंगे तो टर्नओवर आएगा, टर्नओवर आएगा तो डेफिनेटली आपको कमीशन आएंगे, कमीशन जे कर्व में आएंगे, यानी स्टार्ट होगा धीरे 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 जे कर्व आएगा। और ये जे कर्व फ्रेंड्स हर बिजनेस में आता है, इसी तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आता है। फिफ्थ आता है आपका लेवरेज। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है फ्रेंड्स वो लेवरेज का बिजनेस है। लेवरेज योर वीकनेस एक बहुत ही पुरानी कहावत है। लेवरेज योर वीकनेस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मान के चलिए आपको एट प्रेजेंट आप यंग हैं, आप एज अ स्टूडेंट लेवल में हैं, इमेच्योर हैं, एंड आप चाह रहे हैं कि आप मैच्योर पीपल को रिक्रूट करके आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप लेके आ सकते हैं। मैच्योर लोगों को लेके आइए जो सेल्स में हो सकता है माहिर हो, जो डिजिटली डिजिटल मार्केटिंग में माहिर हो, तो वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी से आप नेटवर्क बनाएंगे, एक्सपांड करेंगे, आपको फायदा होगा। तो ये है लेवरेज ऑफ योर वीकनेस। इसी तरीके से अगर कोई अगर एजेड है और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ज़्यादा लोगों को प्रेजेंटेशंस दे पाए, तो उसके लिए वो यंग ब्लड को रिक्रूट कर सकता है कि वो यंग लोग अपने लिए काम करेगा बट उन्हें रॉयल्टी इनकम मिल जाएगी। तो ये होता है आपका, आपकी जो वीकनेस है उसे आप रिक्रूट करके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट आता है आपका एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस, जो 6 पॉइंट है आपका। एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस क्या कहता है फ्रेंड्स कि ये जो बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है इसका आपको माइंडसेट दे देता हूँ। देखिए आप जब आप स्टार्टिंग करते हैं एज अ बिगनर आप स्टार्ट करेंगे तो 100% आपके एफर्ट्स लगेंगे। जैसे एन अगर हम इमेजिन करें, यहाँ 100% एफर्ट्स आपके लगेंगे, इनकम ना के बराबर होगी, जीरो इनकम या फिर हो सकता है कि बहुत कम इनकम, छोटी मोटी इनकम। जैसे जैसे आपके नेटवर्क बढ़ेगा आपके एफर्ट्स कम होंगे, 80% एफर्ट्स 20% इनकम, 60% एफर्ट्स 40% इनकम, 20% एफर्ट्स 80% इनकम, 0% एफर्ट्स 100% इनकम। तो ये चीज़ आप रिलेट कर पाएंगे, आपकी कंपनी में जो टॉप अर्नर हैं उनसे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो टॉप अर्नर हैं आज अगर वो मीन्स बिजनेस नहीं भी कर रहे, प्रेजेंटेशंस नहीं भी कर रहे, डेली रिक्रूट नहीं भी कर रहे, तब भी उनके अकाउंट में एवरी मंथ चेक्स आ रहे होंगे। इसका रीज़न क्या है कि एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस काम करता है। तो ये जो बिजनेस है वो क्या है, मीन्स मासेस का बिजनेस है, नॉट ऑफ क्लासेस। सो होप सो आपको इस पूरी एंटायर वीडियो में एक क्लियर हुआ होगा, आपको माइंडसेट ब्रॉड हुआ होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रॉपर बिजनेस की तरह है। अगर आप इसे आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने कोर्स लिया हुआ था वो आप कोर्स आप आगे ले सकते हैं, मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट, जिससे आप अपनी रिक्रूटमेंट को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। उसमें सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं कि प्रॉस्पेक्ट कैसे करना है लोगों को, स्पेशली ऑनलाइन कैसे हम कर सकते हैं लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग, इनवाइट कैसे करना है, उन्हें प्रेजेंटेशन में कैसे बुलाना है, प्रेजेंटेशन देनी कैसे है, उसके बाद फॉलोअप उनसे कैसे करना है, इमीडिएटली ज्वाइनिंग्स कैसे लानी है। तो ये पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को मास्टर करने के लिए मैं आपको नीचे लिंक में आप जाएंगे तो आप एक मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट का कोर्स है उसके कोर्स कंटेंट्स में जाकर देखिएगा कि आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, जो हमारे मेंटर्स ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको पूरी एंटायर वीडियो में सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगा जिस पर आप काम करके आगे अपने नेक्स्ट लेवल पर बिजनेस को लेके जाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके की बहुत सारी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आर्ट बिजनेस रिलेटेड वीडियोज आप बखूबी से इंतजार कर देंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।